मौजूद है। और फिर जो एनजीओस बात करती है कि जी दीनी इदारे इन तमाम तालीमात से खाली हैं, तो ये तो अपनी अकेले बक बक करके चले जाते हैं, और जो सामने उनके बैठा होता है एंकर, वो भी यकीनन दीनी तालीम से नाबलद है, बेबहरा है, वो भी सिर्फ सर हिला करके रह जाता है। हालांकि हमारे दीनी इदारों के अंदर अगर आप निसाब तालीम और निज़ाम तालीम को मुलाहजा फरमाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीनी इदारों के अंदर जो निसाब है वो सबसे बड़ा कुरान है, उसके बाद हदीस है, उसके बाद फिक्र है। फिक्र के अंदर अगर आप उसके फारिस, उसके मजमूए, उसके मजामीन को अगर आप मुलाहजा फरमाएं, तो उसके अंदर वो तमाम जिसको ये जिनसी अबवाब कहते हैं वो तमाम हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तंजीमुल मदारिस जो हमारा एक बोर्ड है मदारिस अहले सुन्नत का, उसका जो सबसे पहला साल है अश्शहादतुस्सानवियतुल आम्मा, इसके साले अव्वल भी है साले दोम भी है, इसके अंदर किताबुल कुदूरी है, कुदूरी के आप अबवाब को उठाए तो इन तमाम उनवानात पर। आखिरी जो किताब है हिदाया अव्वलैन, हिदाया अव्वलैन जो है उसके अगर आप वो शहादतुल शहादतुल आलिया उसके अंदर पढ़ाई जाती है, शहादतुल आलिया के अंदर पढ़ाए जाने वाली जो हिदाया की किताब फिकह हनफी की सबसे बड़ी कानून की किताब है, उसके अगर आप फारिस को देखेंगे तो आपको एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ऐसे जिनसी उनवानात पर आपको फारिस और मजमू आपको मिल जाएंगे। बलुगत का बाब उसके अंदर मौजूद मिलेगा, हम बिस्तरी के आदाब उसके अंदर मौजूद मिलेंगे, फिर उसके अंदर जो औरतों के मखसूस अयाम हैं और उन मखसूस अयाम के अंदर मर्दों की उनसे मुखारिबत की ममानियत है वो तमाम उसके अंदर मौजूद मिलेगी, कि इन हालतों के अंदर औरतों के पास जाने के नुकसान क्या है वो आपको मिलेंगी। फिर इससे बढ़कर के आगे ये मिलेगी कि औरत अगर अपने घर से बाहर निकले, औरत अगर अपने घर से बाहर निकले और अजनबी और गैर महरम से उसको बात करनी पड़ जाए तो अब उसका लहजा कैसा होना चाहिए। ये तो एनजीओस बताती हैं कि जी नरमी से बात करनी चाहिए, लेकिन इस्लाम ये कहता है, मेरा कुरान ये कहता है, ए औरतों बाहर जाओ और गैर महरमों से बात करो तो आवाज की नरमी ना दिखाना, कहीं वो दरिंदा ना बन जाए, कहीं तुम्हारी आवाज की नरमी से नाजायज फायदा ना उठाए, इसलिए जरा उनसे कड़कदार लहजे में बात करना। कितनी प्यारी तालीम दी मेरे इस्लाम ने कि औरतों तुम अपनी नरमी जो फितरी तबीयत है तुम्हारी उस नरमी में बात ना करना, कहीं मुखातिब गलती और गलत फहमी में आ करके तुम्हारे बारे में कुछ बुरा ना सोचने लग जाए, ये मेरे कुरान की तालीम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीसें कसरत के साथ मौजूद हैं, फिकह के अंदर अबवाब मौजूद हैं कि औरत जब अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकले, तमशी फिल इस्तहयाई, कुरान ये कहता है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के चलने के अंदाज को बयान करता है कुरान में कि वो चल तो रही थी, ऐ औरतों तुम भी चलती हो, मगर कुरान ये कहता है कि उनके चलने का अंदाज मुकम्मल हया पर मुश्तमिल था, हया से चल रही थी, सिमट करके चल रही थी, औरत बन करके चल रही थी। तो कुरान ये कहता है कि औरतों जब बाहर निकलो तो अपनी हयादारी को, अपनी फितरी नजाकत को नजरअंदाज ना करना और पूरे मुकम्मल हया के साथ जमीन पर चलना। और कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, फिक्र ये कहती है कि औरत अगर इद्दत में बैठी हो, अकेली कमाने वाली हो और हुसूल माश के लिए घर से निकलना चाहती हो, इस्लाम ये कहता है कि नहीं औरत, ये नहीं कहता कि औरत तू घर के अंदर बैठ, मैंने तुझे बाहर नहीं निकालना, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि हाँ ठीक है औरत घर से निकले, बाहर निकले, हुसूल माश के लिए निकले, मगर दिन के उजाले में जाए, दिन के उजाले में आ जाए, रात की तारीकी में ना जाए, रात की तारीख। अरे हमारा दीन तो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को कहा मेरा फर्ज अदा करना है, मस्जिदों में आके अदा करो, मगर औरत को कुरान ने कहा कि ए औरत तुझे जा, मैंने अपने फर्ज भी मस्जिद में माफ कर दिए, तू घर के अंदर अदा कर। औरतों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द जिहाद के लिए जाते हैं सवाब कमाते हैं, ये मर्द फला जगह पर जाते हैं सवाब कमाते हैं, मस्जिदों के अंदर जाते हैं इमामत कराते हैं मुक्तदी बनते हैं, या रसूलल्लाह हमारे लिए क्या है? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ औरतों याद रखो कि मर्दों के लिए जितना सवाब तुमने बयान किया तुम अपने शौहरों की खिदमत घर में बैठकर करती हो, अल्लाह ताला उससे दुगना सवाब तुम्हें घर में अता फरमाता है। है कोई ऐसा दीन, है कोई ऐसी एनजीओ जो औरत को ये सबक पढ़ाती हो बताती हो? वो तो कहती है घर से बाहर निकलो, अपने हुकूक लो, मांगो आजादी, अपने जिस्म की नुमाइश करो, माशरे को जिनसी दरिंदा बनाओ,
ताकि आज एक जैनब नहीं रोजाना हजारों जैनबें ऐसी कुर्बान होती रहे और इन लिबरल्स एनजीओस की भीड़ चढ़ती रहे। इस्लाम ये कहता है कि मैंने सलाम को सुन्नत करार दिया, जवाब देना वाजिब करार दिया। जो सलाम जिस ऊंची आवाज में करे, जवाब उसी ऊंची आवाज में देना वाजिब है। जिसने जवाब ऊंची आवाज में नहीं दिया वो गुनहगार होगा, और ताखीर से जवाब दिया तो जवाब देने से गुनाह ना मिटेगा, उसको तौबा करनी होगी। मगर औरतों को कहा कि ऐ औरतों, मैंने अपने महबूब की सुन्नत भी तुमसे साकित कर दी, इसलिए सरेराह बाजार चलते हुए ऊंची आवाज से किसी को सलाम ना करना। कुरान पढ़ा जाता है, मस्जिद में पढ़ा जाता है, माइक पे पढ़ा जाता है, मिंबर पे पढ़ा जाता है, मेराज में पढ़ा जाता है, कहां नहीं पढ़ा जाता। मगर औरतों को कहा कि औरतों, कुरान मेरा है मगर खबरदार, मेरे कुरान को तुमने ऊंची आवाज से भी नहीं पढ़ना। मैंने तुम्हारी आवाज को भी पर्दापोश बनाया, मैंने तुम्हारी आवाज को भी बहया बनाया है। अपनी आवाज गैर महरमों को नहीं सुनाना। क्यों नहीं सुनाना? ताकि मर्द औरत की फितरी नरमी आवाज को सुन करके वो गलत ख्याल में मगन ना हो जाए। इसी तरीके से आप ये देखिए, औरत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जो औरत खुशबू लगा करके बाजार से इसलिए गुजरे ताकि गैर महरम उसकी खुशबू सुन करके लुत्फ अंदोज हो, उससे जो है लुत्फ अंदोजी हासिल करें, फरमाए कि वो औरत जानिया है। क्या फरमाया हुजूर ने? वो औरत जानिया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। तो आज देखिए कि आज हमें क्या तालीम दी जा रही है, आज हमें क्या बताया जा रहा है, आज हमें क्या सिखाया जा रहा है। कुरान ने औरत को घर का चिराग करार दिया, आज ये एनजीओस औरत को घर से बाहर निकाल करके कितना बड़ा फितना और फसाद इन्होंने माशरे के अंदर पपा कर दिया। यानी ये माशरे को नंगा खुद करें, इनकी तालीमात पर अमल करके इस किस्म के सानिहात माशरे के अंदर हमारे रोनुमा हों, और फिर गालियां किसको दी जाएं? उस गरीब मौलवी को, उस गरीब मौलवी को जो मस्जिद के अंदर बैठकर 5-6 हजार की तनख्वाह लेता है, उसको ये सैनमहल किसने खोले? मौलवियों ने खोले। ये मीडिया के ऊपर डांस को मौलवी दिखाता है, और फिर इन तमाम बातों का जिम्मेदार मौलवियों को करार दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी तालीमात मौजूद हैं, हमारे पास सारा निसाब मौजूद है, हमारे पास सारा निज़ाम मौजूद है। हमें अमरीका के इन खैराती इदारों पर, अमरीका की खैरात पर पलने वाली एनजीओ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी निसाब, कोई भी निज़ाम, कोई भी तालीम लेने की जरूरत नहीं। और मैंने अर्ज किया था शुरू में कि बड़े बदकिस्मती